जौनपुर में जो सुबह सुबह हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है, जिसका सबको अनुमान था आखिर वैसा ही हुआ। दरअसल सुबह सुबह जब आपकी आंख भी ठीक से नहीं खुली होगी, उस वक्त यूपी के जौनपुर में जो हो रहा था उसका अंदाजा तो सभी को था, लेकिन ये बात नहीं पता थी कि शायद ये आज या कल हो जाए। दरअसल यूपी पुलिस अचानक से सुबह उठी और एकदम से माफिया बाहुबली धनंजय सिंह को जेल से बाहर ले आई। फिर क्या था, लोग कुछ समझ पाते उससे पहले पुलिस उसे एम्बुलेंस में डालकर कहीं ले गई। ना लोगों को कुछ समझ में आ रहा था और ना ही वहां मौजूद पत्रकारों को समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर माफिया और बाहुबली धनंजय को कहां ले जाया जा रहा था। फिर कुछ देर की अफरा तफरी के बाद पता चला कि धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल ले जाया जा रहा है। धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। पूर्व सांसद को एम्बुलेंस से हाई सिक्योरिटी वाली बरेली सेंट्रल जेल लाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला कारागार में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अचानक से शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार सुबह जौनपुर जिला जेल से हटाकर धनंजय सिंह को बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। बहरहाल जिला प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है। बीते काफी दिनों से धनंजय को हटाए जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ जानकारी देने को तैयार नहीं था। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस से बरेली जेल ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से प्रशासन स्तर से लगातार धनंजय सिंह को जेल से शिफ्ट किए जाने की चर्चा चल रही थी, खास करके तब से जब से उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही है। बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह जौनपुर सीट से बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। लगातार वो प्रचार भी कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। वहीं धनंजय सिंह की पत्नी को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। जहां जौनपुर में भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है, तो उसके बाद 14 मार्च को समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट थमाया, तो वहीं राजनीतिक हलचलें तेज हो गईं। इसके अगले ही दिन बसपा ने सबको चौंकाते हुए श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट थमा दिया। श्रीकला सिंह को टिकट मिलने के बाद पूरा चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। वहीं अगर धनंजय सिंह की बात करें तो नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण के मामले में धनंजय को सजा मिली है। अपहरण मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर से सुनाई गई 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को लगातार 4th दिन न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के अधिवक्ता ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन अब सीधा उनका जेल ही बदल दिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या इस मामले में राजनीति होती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।